क्लास थर्ड हिंदी सेकेंड चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट पोर्शन था इसमें हमको जो मिली 11 मिली है, ठीक है। 10 भाषाएं बोली थी, हमको 11 भाषाएं मिली है, क्योंकि हमने साइड अगर लाइक कीजिए तो उर्दू भी हमारी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको मेंशन करके पिक्सन करेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, वर्ण विचार। मतलब वर्ण विचार क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक भाषा में ध्वनियाँ होती हैं, यह हर किसी को पता है। इन ध्वनियों को लिखने के कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे मोर शब्द में 4 वर्ण हैं, माँ, फिर ओ की मात्रा, फिर रा, फिर छोटा आ, ठीक है। मोर, ये चारों इस शब्द की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ये जो चारों हैं वो क्या है, शब्द की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। ये जो आपकी दिख रही है ना, अब माँ के कोई छोटे टुकड़े तो होंगे नहीं, डेफिनेटली कॉमन सी बात है, माँ के आप छोटे टुकड़े कैसे कर लोगे, माँ के छोटे टुकड़े होंगे नहीं होंगे ना। तो वैसे ओ के भी नहीं होंगे, र के भी नहीं होंगे, अ के भी नहीं होंगे, ठीक है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी एक तरह से डेफिनेशन दे रखी है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन लिखना है, चैप्टर लिखिएगा नंबर 2, वर्ण विचार हिंदी में, हिंदी सेकंड में, और लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, कोई प्रश्न डालिएगा कि वर्ण की परिभाषा लिखो, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा उत्तर में आंसर लिखिएगा परिभाषा, और इसको लर्न करिएगा। पिछली कक्षाओं में हम जान चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर हमारे क्या होते हैं, 11 होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 35 होते हैं। जैसे का वर्ग में क, ख, ग, ग, य, ण, च, छ, ज, ज, तो इस तरह से ट का वर्ग होता है, ता का वर्ग होता है, पा का वर्ग होता है, जो मापेंड होता है, ठीक है। फिर य, र, ल, व, श, 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 स, ह, ठीक है। अब विशेष, सभी व्यंजनों में आ स्वर लगा होता है। जैसे कि हम कोई भी व्यंजन पढ़ रहे हैं, अगर जा बोलेंगे तो जा का मतलब बड़ा हो गया और जा मतलब छोटा। तो जितने भी वर्ण होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं वर्ण, उन सब में छोटा आ ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपका रा था, मोर, मात्रा तो कोई नहीं थी, इसीलिए छोटा आ, छोटे में कोई मात्रा नहीं होती ना, छोटा आ हमेशा हर व्यंजन में लगा होता है। 11 स्वरों में और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण इस प्रकार हैं। अब ये जो अन्य वर्ण हैं वो हम आपको बताएंगे, बट उसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है, इसको आंसर अपने आप करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, वर्ण की परिभाषा लिखो। अब वर्ण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जो आपके इस पेज में दे रखा था ना, चैप्टर जिस चैप्टर के स्टार्टिंग है इसमें ही देखिए आपकी दे रखा है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने दिया है वो ये दिया है, हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। आपको अगर चेक करना हो तो आप इस लास्ट पेज नंबर जो आपका 11 है उसमें भी चेक कर सकते हो। दूसरा वाला क्या देखा है, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला क्या होता है स्वर, दूसरा क्या होता है व्यंजन, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स आपको करके सेंड करने हैं।